वेलकम बैक दोस्तों, गौरव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है इंसुलेटर। मैं आज आपको इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिकल में इंसुलेटर का क्या काम है। वैसे तो इंसुलेटर कई तरह के होते हैं, जैसे थर्मल इंसुलेटर और हीट इंसुलेटर। तो आज मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें यूज होने वाले इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा। तो इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है कि जो अपने में से करंट पास ना होने दे वही इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर मोस्टली हमारा ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ इंसुलेटर इज़ मोस्टली डन इन ट्रांसमिशन लाइन इन इलेक्ट्रिकल विच इज़ टू कैरी द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि जिस तरह से हमारा कोई ट्रेन है वो बिना पटरी के नहीं चल सकती, या फिर कोई गाड़ी है वो बिना रास्ते के नहीं चल सकता, रास्ता चाहिए होता है। इसीलिए हमारा कंडक्टर जो है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके लिए उसको हमें रखने के लिए इंस्टॉल करने के लिए इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती ही है। ज़्यादातर पांच तरह के इंसुलेटर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, तीसरा है शैकल टाइप इंसुलेटर एंड चौथा है स्टे टाइप इंसुलेटर और पांचवा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। दोस्तों, फर्स्ट इज़ पिन टाइप इंसुलेटर। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वाइट इंसुलेटर है और ये पिन टाइप इंसुलेटर है। ये पहले यूज होते थे, टेलीफोन की जो वायरें होती थी वो इसके ऊपर ही माउंट हुआ करती थी। और दोस्तों, ये भी पिन टाइप इंसुलेटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिन के साथ इंसुलेटर एक लगा हुआ, उसके ऊपर वायर जो है हमारा 11 केवी का कंडक्टर वो माउंट किया गया है, जो इसके ऊपर एक हाफ सर्कल दिया हुआ है। हाफ सर्कल एक कट दिया गया है, ग्रूव्स दिया गया है, वो एक्चुअल में हमारा कंडक्टर के लिए होता है, कंडक्टर रखा जाता है। और ये दोस्तों एक लेटेस्ट इंसुलेटर है, ये भी पिन टाइप ही इंसुलेटर ज़्यादातर यूज होने वाला इंसुलेटर है। जैसे कि आप यहाँ हाफ सर्कल एक ग्रूव्स देख रहे हैं, एक नली देख रहे हैं, उसके ऊपर उसमें जो है हमारा 11 केवी का कंडक्टर जो है वहाँ पे माउंट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ वायर। सेकेंड इज सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर इंसुलेटर यूज़ फॉर वेरी हाई, यह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि 132-220 वोल्ट्स, इस तरह से इसका यूज़ होता है। और जो इंसुलेटर रहता है इसमें वो कनेक्टेड टू वन अनदर इन सीरीज बाय वे ऑफ स्टील स्पिंडल्स एंड क्लैप्स। द मेटल कैप हैविंग टू प्रोजेक्शन इज फिक्स एट द टॉप ऑफ ईच इंसुलेटर। मतलब कि एक इंसुलेटर के नीचे एक और इंसुलेटर, एक और के नीचे एक और, सीरीज में इसको जो है वो कनेक्ट किया जाता है ताकि अच्छा इंसुलेट मिले, अच्छा इंसुलेटर जो है ये बन सके। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इंसुलेटर के साथ में कंडक्टर जो है माउंट है और ये सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। बहुत ही हाई वोल्टेज होती है, जैसे कि 440 और 220 केवी वोल्ट्स। जैसे पिन टाइप इंसुलेटर में कंडक्टर पिन टाइप इंसुलेटर के ऊपर ग्रूव्स में रहता है, उसी तरह से कंडक्टर यहाँ नीचे रहता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में, और ये बाहर को रोकता है। दोनों ही बाहर को रोकते हैं तो ये इंसुलेट कर देता है, क्योंकि ये इसमें इंसुलेटर जो है वो सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए प्रॉपरली इंसुलेट होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज के लिए होता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की जो एडवांटेजेस है वो यही है कि ये हाई वोल्टेज में काम करता है, हाई वोल्टेज के लिए इसको इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ईजी है और ईजी टू यूज़ इंस्टॉल इसको कर सकते हैं।
शैकल टाइप का जो इंसुलेटर है वो यूज़ किया जाता है एंड ऑफ द स्पैन, मतलब स्पैन का मतलब क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो कंडक्टर रहता है उसी को ही स्पैन बोलते हैं। जहाँ से हमारा स्पैन मतलब कंडक्टर ख़त्म होता है वहाँ ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक घर का कनेक्शन हो या फिर फैक्ट्री के आसपास का, जहाँ मतलब हमारी लाइंस जो है ख़त्म हो जाती है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ पर मैकेनिकली स्ट्रेस हो, जहाँ एंड साइड में कंडक्टर पर खिंचाव हो। शैकल टाइप जो इंसुलेटर है वो पोल से एक नट बोल्ट के सहायता से उस माउंट किया जाता है। माउंट करने के बाद फिर हम कंडक्टर को उसमें से माउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शैकल टाइप इंसुलेटर का एक और एग्ज़ाम्पल ये है, इसके बीच में से कंडक्टर जो है वो जहाँ हमारा कंडक्टर ख़त्म होगा या जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस तरह के इंसुलेटर जो LT में यूज़ किया जाता है, LT ट्रांसमिशन में, मतलब लो टेंशन जो हमारी लो वोल्टेज होती है। स्टे टाइप का इंसुलेटर जो है हम स्टे वायर में यूज़ करते हैं। स्टे मतलब जो सपोर्ट देती है एक पोल को, सपोर्टिंग वायर होती है उसके बीच में ये यूज़ किया जाता है। और जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है एक स्टे, इस तरह का दिखने में इस तरह से होता है स्टे इंसुलेटर, जो कि स्टे वायर में यूज़ किया जाता है। स्टे वायर में स्टे इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करने का कारण क्या है कि ये इंसुलेशन क्रिएट करता है, क्रिएट इंसुलेशन बिटवीन पोल एंड स्टे क्लैंप फॉर लो वोल्टेज, और इसको हाई वोल्टेज वाले पोल पे भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर जो है वैसे ही यूज़ होता है जैसे कि शैकल टाइप इंसुलेटर, ये यूज़ होता है एंड और जहाँ से हमारा कंडक्टर स्टार्ट हो, और शार्प कर्व मतलब जंपर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो व्हेन द लाइन इज़ मेड टू अक्रॉस द रिवर, और यह हाई वोल्टेज लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। यह इसमें भी हम एक से ज़्यादा इंसुलेटर को जोड़ के और काफ़ी अच्छा इंसुलेट कर सकते हैं, इंसुलेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, तीन स्ट्रेन इंसुलेटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट हैं, जैसे कि सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर हमने भी जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर भी वैसे ही काम करता है। दो या तीन या चार स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर हम सीरीज में कनेक्ट करके और बहुत ही अच्छा इंसुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल है, यहाँ पे तीन इंसुलेटर जो है सीरीज में कनेक्ट हैं और उसके नीचे जो है एक कंडक्टर 11 kV का हो सकता है, 33 kV का भी हो सकता है, इसको हम 33 kV